जय हिंद। कैसे आप सभी। और आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं सर्बिया के प्रोसेस किस प्रकार से किया जा रहा है। जैसे कहने का मतलब है कि कभी सर्बिया के लिए या रशिया हंगरी के लिए कभी रिक्वायरमेंट आते हैं तो बहुत लोगों को फोन करना पड़ता है, जैसे कि फोन करके समझाना पड़ता है कि इस प्रकार का वीडियो होना चाहिए, या इस प्रकार से आप इंट्रोडक्शन दे दीजिए, या इस प्रकार का वीडियो भेजिए, या इस प्रकार का क्लाइंट इंटरव्यू होंगे। आज के इस वीडियो में, आज के इस हायरिंग में किस प्रकार से प्रोसेसिंग हो रहे हैं, यानी कि आपका अप्लाई किस प्रकार से होगा, क्या क्या होना चाहिए, किस प्रकार से आप लोग वीडियोज बनाएंगे, सभी कुछ इस पे आपको बताएंगे और समझाएंगे। इसलिए कि आप लोग को बहुत सारा डाउट क्लियर हो जाएंगे, इसके जो भी प्रोसेस है, जो भी ट्रेड है, सब कुछ बताएंगे। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखिए। अभी देखिए, सर्बिया के लिए अर्जेंटली हायरिंग है, ठीक है। और इस ये जो कंपनी है, इसमें लगभग कभी कोई काम खत्म नहीं होता है। बहुत भाई बोलते हैं कि 1 साल के बाद खत्म हो जाए काम तो वापस भेज देगा, तो ऐसा सिस्टम यहाँ पे नहीं है, काफी पुरानी कंपनी है। दूसरी चीज, इसमें शटरिंग कारपेंटर का काम जिसको आना आता है वो इसमें जा सकते हैं, प्लस प्लम्बर जा सकते हैं, स्टील फिटर, टाइल मेसन, ठीक है, फेकेंड वॉल पेंटर जा सकते। सभी का जो सैलरी है वो 550 यूरो तक बेसिक लिखे हैं, ठीक है। 550 से 600 यूरो तक इसमें सैलरी हो रही है। जो क्लाइंट है वो आपका रिज्यूम देखते हैं, आपका वर्क वीडियो देखते हैं, वर्क वीडियो और रिज्यूम देखने के हिसाब से सैलरी आपका वर्क आपका जो ऑफर लेटर है, यानी कि जो आपका सैलरी लिखा हुआ रहता है कि हाँ भी इतने ये सैलरी आपको मिलेंगे, तो वो 600 650 तक यूरो भी दे रहे हैं, लेकिन इस पे लिखा है मैंने मैक्सिमम जो सैलरी, जैसे कि कोई भी भाई जिनका एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है, जिनको कुछ काम नहीं आता है, उनका भी सैलरी 500 से 550 तक है, लेकिन जो जिनको काम आता है उनको 600 यूरो से भी ऊपर में मिल रहा है, ठीक है। जैसे कि बहुत लोग का सिलेक्शन हुआ तो इस प्रकार से हुआ। इसमें आप लोग किस प्रकार से अप्लाई करेंगे सर्वे के लिए, सर्वे के काम के लिए किस प्रकार से अप्लाई करेंगे। अभी अप्लाई करने के लिए सबसे फर्स्ट ऑफ फर्स्ट आप अपना रिज्यूम भेजेंगे, या सबसे पहले देखेंगे कि इसमें आपसे ट्रेड से मैच कर रहा है, तो आप शटरिंग कारपेंटर हैं, प्लम्बर हैं, स्टील फिटर हैं, टाइल मेसन है, फेकेंडर है, या वॉल पेंटर है, अगर आप वॉल पेंटर हैं, ठीक है, इसमें से जो भी रिलेटेड आपका सीवी मैच कर रहा है, आपका काम मैच कर रहा है, तो वो सीवी भेजेंगे, ठीक है। अभी भी भेज सकते हैं, 2 दिन का सिर्फ टाइम है। जो भी भाई अगर इसमें जाना चाहते हैं, ठीक है, कम सर्विस चार्जेस में, कम सैलरी है तो कम सर्विस चार्ज भी है, ठीक है। बहुत समझा के बता रहा हूँ आपको कि कम कॉल कम करना पड़ेगा, यानी कि कॉल पे बहुत ज्यादा झमेला नहीं रहेगा, वीडियो देखने के बाद आप लोग पूरा समझ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें ट्रेड से संबंधित आपका सीवी है, नंबर पे भेज देंगे, मेरे नंबर पे क्लाइंट को दिखा दूंगा, आपका रिज्यूम देखेंगे, प्लस इसमें इस प्रकार से वीडियोस होना चाहिए, प्लस वीडियोस पहले देखिए आप लोग। मैं रुकिए, माई नेम जितेंद्र, माई वर्क वॉल पेंटर, माई एज 37 ईयर ओल्ड, माई गल्फ एक्सपीरियंस 3 ईयर, और अपना काम भी करके दिखा रहे हैं। इसी प्रकार से आप लोग भी पहले इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन का मतलब कि अपने बारे में परिचय बताएंगे, अपने बारे में बताएंगे कि मेरा नाम क्या है, ठीक है, माई फादर ने बताएंगे, जैसे ये लगे कि आपको इंग्लिश आता है, ठीक है। अपना एज बताएंगे, अपने बारे में कितने ईयर्स का एक्सपीरियंस है आपका, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, माई एक्सपीरियंस इज 3 ईयर्स, या 4 ईयर्स, या फिर 6 ईयर्स, या 10 ईयर्स, जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो बताएंगे। उसके बाद से आप जैसे काम करेंगे, जैसे वीडियो बनाएंगे, तो एक ही वीडियो में इंट्रोडक्शन दे देंगे, प्लस उसको रोक देंगे, रोकने के बाद फिर से जब काम करने लगेंगे तो फिर से चालू कर देंगे, तो एक ही वीडियो में पूरा शूट हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही है, इतना ही होना चाहिए, जैसे कि हाँ आपके बारे में मालूम हो गया कि क्या क्या नाम है, कितने साल से काम करते हैं, और आपके रिज्यूम में जो लिखा है वही बताइएगा। बहुत भाई गलती ये कर रहे हैं कि रिज्यूम में है 3 साल, वो बता रहे हैं 5 साल, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो रिज्यूम में आपने देखा है कि क्या क्या लिखे हैं, जैसे मानने के लिए आपने आपके रिज्यूम में लिखा है कि 3 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है, 3 साल का उसमें लिखे हैं, फिर आप बता रहे 5 साल, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका रिज्यूम के हिसाब से जो मैच करता हो, जो वाकई में हो, पहले देख लीजिए कि रिज्यूम में कितना देर कितना लिखा है, उसी हिसाब से बताइए। क्लाइंट अगर देखे कि आपका वीडियो किस प्रकार से है, आपका रिज्यूम किस प्रकार से है, तो दोनों मैच करना चाहिए।
जैसे वीडियोस बनाइए लेकिन बहुत स्लो काम मत करिए, थोड़ा काम फास्ट, जैसे कोई भी काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा बहुत फास्ट नहीं होना चाहिए, बहुत स्लो नहीं होना चाहिए, काम के हिसाब से काम करना होना चाहिए। अगर आप ग्राइंडर स्टील कटिंग कर रहे हैं तो वो सबसे बेटर है। अगर आप बेंडिंग कर रहे हैं तो बेंडिंग में चारों तरफ से वायरिंग को लगाइए, ठीक है, इसे नीचे से ले जाइए, ऊपर से लेके आइए, फिर से इधर से ले जाइए, इधर से चारों तरफ से घुमा करके बेंडिंग कीजिए, ताकि उसको लगे कि हाँ आप वायरिंग का काम करते हैं, स्टील फिटर का काम आप वाकई करते हैं, ठीक है। और वाकई में आपको करना भी आना चाहिए। बहुत भाई ऐसे हैं जो वीडियो बना करके भेज देंगे, फिर वहाँ जाएंगे तो काम नहीं मालूम होगा, तो आपका सैलरी बढ़ेगा नहीं, ठीक है, आपका इतना ही सैलरी रह जाएगा, ये प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वैसे भी देखिए ये नहीं कि चोरी से चला जाना है और कैसे भी जा करके वहाँ पे ये करना है, नहीं। अगर आपको काम आता है, अगर वहाँ पे जा करके अच्छे काम करते हैं तो और आपको सैलरी बढ़ेगा, काम अच्छा करेंगे। अगर आपको काम मालूम है, नहीं मालूम है तो बता दीजिए कि इतना ही काम मालूम है, ठीक है। बस ऐसे यही होगा कि आपका 500 यूरो रहेगा या 600 यूरो रहेगा, बाकी जो लोग काम करने जानते हैं उन लोगों का 200 आपसे ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो आप में और उनमें यही फ़र्क रहेगा, बाकी किसी को दे करके कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। आप जितना लायक हैं उसको लायक आपको मिल रहा है, वो जितना लायक है उनको वो मिल रहा है, ठीक है। इसमें यह नहीं होना चाहिए, सर्वे चार्जेस एक ही लगेगा दोनों आदमी का, ठीक है, जो कि 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में रहेगा। सर्वे चार्जेस जो भी रहेगा वो मिनिमम रहेगा, ठीक है, 3 लाख के अंदर रहेगा, 3 लाख से ऊपर नहीं रहेगा, ठीक है। बाकी आप लोग देख लीजिए वीडियो, और लास्ट में मैं फिर से लगा दूंगा भाई का वीडियो, आप लोग देख लीजिएगा। और एक बहुत मामूली वीडियोज है, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बना करके आप लोग भेज सकते हैं। बाकी अगर कोई इलेक्ट्रिकल भाई हैं तो इलेक्ट्रिकल के काम के भेजेंगे, सेटरिंग कारपेंटर के तो सेटरिंग का, और बाकी जो भी ट्रेड से हैं वो। बाकी फिलहाल में यही सर्वे का काम चल रहा है, इसके बाद से जो हायरिंग आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा, और उसके लिए वीडियोस डालूंगा या आपको रिक्वायरमेंट बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आप लोग हर चीज़ समझ गए होंगे, हर चीज़ नहीं समझे हो, कुछ बाकी रह गया हो, ठीक है, कोई डाउट रह गया हो कॉल करके पूछ लीजिएगा। सर्वे चार्जेस के भाई बारे में काफ़ी भाई पूछते हैं, फोन करते हैं, तो मैं आपसे बता दिया कि 3 लाख से नीचे रहेगा, ठीक है, 3 लाख के ऊपर नहीं, बाकी डिक्लेयर आप लोग कॉल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो दीजिएगा, ताकि उनको भी काम आएगा, हो सकता है जाए ना जाए, लेकिन मैं सिर्फ जाने के लिए ही नहीं बता वीडियो बनाता, आप लोग को जानकारी के लिए भी वीडियो बनाता हूँ, कि कुछ जानकारियाँ हों यूरोप कंट्री के बारे में, आप लोग जाने कैसे आप प्रोसेस होते हैं इसके बारे में भी आप लोग को। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, सबको जय हिंद, वंदे मातरम।